हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आज एक और नया ब्लॉग है। सो आज हम जा रहे हैं आपका नैनीताल, जहाँ नैनीताल जा रहे हैं हम, पन्नगर से होते हुए, हल्द्वानी होते हुए नैनीताल जाने वाले हैं आज। तो आज हम जा रहे हैं, करीबन 5 जने जा रहे हैं हम अपने ब्लॉग में। तो सभी फ्रेंड्स जा रहे हैं हम, क्या कहते हैं, नैनीताल में जाएंगे, शायद कल भी आ सकते हैं, आज शाम को भी आ सकते हैं, तो देखते हैं। अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ जैसा भी है, तो हम जाते हैं आपके देखने के लिए कौन कौन रेडी हुआ है, नहीं हुआ है। सो गाइस, देखते हैं कौन कौन रेडी हो गया है। और भाई साहब हो गए रेडी भाई, और क्या है फिर आज का प्लान बताओ। और भाई बाबा बताओ क्या है आज। इसका नाम मोहित है और ये हमारा उज्ज्वल है। तो आज हम ये दो जने हो गए नैनीताल। क्या है फिर आज का प्लान? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो देखा गाइस, आज अब जाए गाइस, अब ये तो दो और रेडी हो गए हैं। अभी एक और बंदा है जो हमारा रेडी होने वाला है, तो वो अभी गया है आपका नहाने गया। ओ भाई, ओ कहाँ जा रहा है अकेले? ओए ओए अकेले बस निकल दिए लोग। अरे भाई 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 रुको थोड़ा गाइस, अभी देखते हैं, ये तो अभी जा रहे हैं भाई हमें छोड़ के। गाइस जो हमारा लास्ट बंदा है वो रेडी हो गया। और भाई रेडी हो गया, भाई लोगों रेडी हो गए, हमारी पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है गाइस। हमने जो है एप्लीकेशन लिखी है जो हमारी डाइट ऑफ कराने के लिए, तो ये एप्लीकेशन है जो हम देने जा रहे हैं आपका मेस वाले भैया को। ठीक, मिलते हैं, बाय। चलो भाई, ओके ये हमारी चाबी रूम की, हम चल देते हैं अब। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने पंथ भवन से। ये है पंथ भवन हॉस्टल, जहाँ रहते हैं आपके सेकंड ईयर से वेटनरी हो गया, होम साइंस के या फूड टेक के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं। तो हम चल रहे हैं आपके अब। हाँ तो भाई साहब ये लोग इन रुके हुए हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहा है। और बताओ और क्या करेंगे फिर? मौज करेंगे, मौज करेंगे। और क्या क्या प्लान है फिर आज का? क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे नहीं करना है? ये हमारे बैच का सबसे खाड़ू बंदा है, कहाँ पूरा बैच जानता है इसे हमारे भाई को ना भाई, पूरी वेटनरी हो गया, मानी कहाँ कहाँ भाई की पहचान है। तो गाइस हम चल रहे हैं आपके नगला। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आपका नगला पे, हमें मिल गया ऑटो, ये जा रहा है हल्द्वानी। तो ये भी है हमारे साथ, बैठो बैठो। भाई साहब एकदम सही ऑटो मिली अपने को, ठीक है बाबा, क्या हुआ? चल लेते हैं भाई लोगों अब हल्द्वानी को। हल्द्वानी जा रहे हैं लाल, क्या है नगला से हल्द्वानी। हेलो गाइस, जुड़ जाओ मेरे YouTube चैनल से, मैं मोहित BBSC सेकंड ईयर। ये आपका लाल कुआं रेलवे स्टेशन, यह रेल, यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँच गया। हल्द्वानी पे हम पहुँच गया, हम जा रहे हैं यहाँ से आपका रोडवेज को जाएंगे। और बाप रे आज तो बहुत वो लगा है, क्या कहते हैं, जाम लगा है। तो मिलते हैं आपको आगे पे। ये आज की हल्द्वानी की सिचुएशन। ये हमारे टूरिस्ट, हाँ ले लिया ठीक हो रहा है।
आज सलून का नाम देख लो। सलून का आज का प्लान बताओ तो। आज का प्लान ये है कि अंदर आना है। अच्छा, फिर आज वही पे करेंगे बाकी का। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो आप बताओ, आपका क्या प्लान है? प्लान ये है पहले तो बस पकड़ेंगे। ठीक, पहले नाश्ता करना है। नाश्ता करना है यहाँ, कोई हॉस्टल में नाश्ता करके नहीं सिवाय मेरे। मैंने तो नाश्ता करा अपना मस्त से, बस ये लोग जो भी हैं उन्होंने नाश्ता नहीं करा। मिलते हैं तो भाई लोगों, इन लोगों ने थोड़ा प्लान बना रखा जाने से पहले थोड़ा हल्द्वानी की मार्केट घूमने का। सब्जी के रेट पता करने सब्जी के रेट पता करने आज करेंगे। मुझे तो रास्ता नहीं पता अंदर का, इनको पता है। अब देखते काले यहीं का होके भी तुझे पता नहीं कुछ भी। अरे मतलब हर रोज घूमते रहूँगा मैं इधर। है मटर का लिए भाई, ये लोग भाई लोग ये मटर के लिए बता रहे हैं। देख लीजिए आप मटर के लिए भाई, 30 चलते मंडी। मंडी का रेट है 30 रुपये किलो। 30 रुपये मटर के लिए में 30 रुपये चल रहा है आज। यहाँ डेट आपकी 3 अक्टूबर। अदरक 40 चल रहा है। क्या बोला? 40 50। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आपका रोडवे बस स्टेशन पे। अब यहाँ से हमें नैनीताल के लिए बस करनी है, तो देखते हैं कब मिलती नहीं मिलती है बस, देखते हैं। ठीक है, हम बैठ चुके हैं आपका नैनीताल वाली बस पे। जो हमारी नैनीताल वाली बस है वो निकल चुकी है, तो हम सब बैठ चुके हैं। बढ़िया गाइस, मिलते हैं आपको नैनीताल पे, देखते हैं आगे तक क्या क्या चलता है। हाँ, नैनीताल पे मेले लगे हैं, मेला लगा शायद। ठीक है, मिलते हैं। गाइस आप देखो, नैनीताल है आपका 39 किलोमीटर, तो चल रहे हैं। लॉन्डो ने लगा चुके हैं अपनी लीड और गाना सुनते सुनते ट्रैवलिंग का मजा। आपके यहाँ नाश्ता के लिए मैं तो नहीं करूँगा, यही करेंगे, ये कर लें नाश्ता, देखते हैं क्या क्या है। हाँ भाई, मैं कुछ नहीं ले रहा है, मैं नहीं खा रहा कुछ। तू क्या खा रहा है? ले कुछ नहीं खा रहा है कुछ। गाइस जो हमारे फ्रेंड है वो नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, पहुँचने वाले हैं आपका नैनीताल पे। ये है आसमान की ऊंचाइयों में। ऊपर पे हर मसाला है, शायद आज यहीं रुकना है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आपके नैनीताल। पहुंच गए ना? हाँ भाई पहुंच गए। ठीक है, तो आगे मिलते हैं। गाइस फाइनली कैसा लगा डेस्टिनेशन पहुँच गया मैंने। ठीक है, आगे मिलते हैं आपको, आप देख सकते हैं। ये है हमारे होनहार छात्र, तो मिलते हैं आपको। आए, मजा आ गया। ये है नैनीताल। होए 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 होए, बुढ़िया पीछे जाए बार। कैसे लगा?
बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। इनके लिए बिस्कुट आते हैं। फिर आपसे कम किसने खा दी बन तक तो पिछली बार इतनी बड़ी मछली बहुत बड़ी। अरे बाप रे इधर को देख लो यार सब। तो गाइस कमेंट करना कैसा लगा नैनीताल आपको। अगर आप हो तो नैनीताल के तो कमेंट लाइक शेयर जो भी करना करना। उसके लिए आएंगे तो गाइस इन लोगों का देख सकते हैं आप। क्या कहते हैं फोटो शूट चल रहा है। फोटो खींच रहे हैं यहाँ पर सब। विशाल इधर पे ये भाई की फोटो शूट। यहाँ पर कोई भी शायद बोटिंग कराने के लिए कह रहे हैं जो पानी में घूमने के लिए कह रहे हैं। हमारा प्लान बना है आपका बोटिंग करने का ना भैया। हाँ बोटिंग ठीक है तो चलो साइड सीन घूमने का कह रहे हैं। देखते हैं आगे तक चलते हैं बोटिंग करने। आज तो पहाड़ी हो रही करेंगे। तो गाइस हम चलते हैं आपका शायद इस साइड पे जाना है। पैदल यात्री कृपया पाएं चले धन्यवाद। ये पैदल यात्री कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर टिकट लेनी है तो सामने टिकट काउंटर है। अंदर आ जाओ। यहाँ पर टिकट काउंटर है। क्या लिखा है बोट स्टे स्टैंड तल्लीताल। जो हमारा प्लान बनाया है वो तीन जने एक बोट में और दो दो हम सात लोग हैं ना बेसिकली। तो बोल रहे तो तीन जने एक बोट में है और दो दो एक। तो गाइस हमने टिकट ले लिया है जो पीला पीला रंग का था वो टिकट था। तो अब चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए। हाय 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 क्या हो रहा है ये। और भाई लोगों बढ़िया। In my mind I can get them out no matter how hard I try I need you. तो गाइस हम लोग बोटिंग कर रहे हैं वो चलेंगे आगे पे वही है। और विशाल अरे गाइस अरे तो गाइस गाइस भाई आसपास चलते हैं। वो तो देखो ये अपना भाई ये हैं हमारे बोटिंग बोट। तो चलते हैं भाई साहब है आपका नैनीताल। आराम से डर मत पानी उरी बनाए आज। अरे ऐसा तो मत करते बेटे पानी लग गया इसमें। ये उछालिया मानी
तो हम गाइस हम दो दो के ग्रुप में बैठे हैं। हाँ। एक ग्रुप में आपके तीन बैठे आगे पे और दो दो हम बैठे हैं। करीमा साथ जाने देना इस उस से। दिख रहा है। ये भाई ये आ रहे हैं हमारे दो तीन बैठे हैं पीछे पे बैठे हैं ये। आगे पे मंदिर है भाई लोगों ये भैया मंदिर किस चीज का है? अच्छा हनुमान जी का मंदिर है। जय हनुमान जी। जय हाँ भैया कितनी गहरी है? 120 फीट है यार। 120 फीट ठीक। मछली उधर पे बोलो कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके तो भाई लोगों जो हमारी तितली है यहाँ पर को भी तितली भी बोट राइडिंग कर रही है और ये भाग गई। तो गाइस जो हमारा राउंड था हमने जो टिकट काटे था वो पूरा हो चुका है तो हम कौन किनारे पे रुकेंगे अभी यहाँ पर वो उधर पे जहाँ वो बोट दिख रही है आपको उस साइड पे तो ये है। हाँ और एक आली बोट थी जिसको अपने पाँव से चला सकते थे इसमें भी जाने की सोच रहे थे बट हम गए नहीं क्योंकि ज़्यादा मेहनत सही नहीं लगता अपने को। ठीक है तो अब यहाँ पर को हम रुकेंगे जहाँ पर को सारी बोट लगी हैं ये है तो यहाँ पर को रुकने के लिए भैया ने थोड़ी स्पीड। ये हमारे विशाल साहब बोटिंग करते हुए। बोटिंग हो गई हमारी ख़त्म अब हम चलते हैं आपका अब मिलते हैं यार बोट ज़्यादा हिल रही है। जान हमने कर लिया आपकी बोटिंग और हमने सब चीज़ कर लिया है अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं चर्च। चर्च जाने का प्लान है आप हमारा चर्च देखने क्या होता है कहाँ तक ले जाते हैं। तो हमारा प्लान बना है अब चर्च से जाने का। चर्च के आगे खड़े हैं हम मोहित बाबा जी हमारे एक हो गए थे अभी इन्होंने बड़े ये भाई कर क्या रहा था तू यहाँ ब्लॉग में आ जाएगा खींच ले लियो। ये चर्च है आपका इस साइड पे सेंट लिखा है येलो ये वाइस ये है चर्च अभी हम चलते हैं। GPRS जो हमें चर्च की ओर ले जा रहे हैं। हाँ भाई कहाँ है चर्च? आगे बह गए वाइन लेके आ भाई। ये हमारे फादर जी कैथोलिक चर्च। हम लोगों ने चर्च में बहुत मजे कर लिए सब लोगों ने फोटो जो जो करना था वो सब चीज कर चुके हैं ये अभी भी फोटो ही ले रहे हैं तो क्या कह रहा है चलो हटा दिया तुझे क्या कह रहा है शाम को झूम ज्यादा भी नहीं हो रहा है ज्यादा हो रहा तो गाइस डिलीट कर दे ये अभी तक फोटो ही ले रहे हैं। आ चुके हैं आपके चर्च से अब हम कहाँ जाना है वैसे ये लोग कह रहे हैं गवर्नर हाउस देखते हैं भाई बोलो कहाँ जाना है? गवर्नर हाउस तो गाइस हम जा रहे हैं आपका गवर्नर हाउस तो वहाँ पर को मिलते हैं गवर्नर हाउस पे तो हमने अभी यहाँ पर जो अभी थोड़ी पीछे पे वाली वीडियो पे हमने अपनी क्या कहते हैं सेल्फी वेल्फी खींच ली थी और फोटो शूट कर लिया था तो इस बेचारे को बहुत ठंड लग रही है ना भाई दिसंबर वाली फीलिंग आ गई है मैंने भी खुद स्वेटर पहना है अभी भी तो
देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं। ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड नैनीताल। Now we are in Governor Board House. चाचा विधायक है। चाचा विधायक। इसके 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 चाचा विधायक हैं। मार्केट तो अच्छी है यार, ना? ये हमारे स्टूडेंट्स। सही है सही है। ये जो है ये जा रहे हैं अब रूम ढूंढने, मैं यहाँ से अपने घर चल दूंगा, मतलब नैनीताल में मामा का है। कल मिलते हैं, ठीक है भाई, फॉलो फॉलो, ओके बाय बाय। जाने भाई रूम देख, और नैनीताल में लगाया आपका मेला, ये मेला ही है। तो गाइस अभी मामा थोड़े लेट आने के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे आगे भी घूम ले थोड़ा, जिससे हम घूम रहे हैं। तो साथ के थे वो तो चले गए, वो आपका रूम देखने चले गए, तो हम आगे भी चल रहे हैं। और हम मेला लगाया, बाजार लगी है, तो जो देखना है देखते हैं, मामा थोड़ी देर में आएंगे। थिंक जो फुटबॉल मैच हो रहा है वो नहीं हो रहा है पीछे पे, तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे पे, मिलते हैं आपको आगे पे। तो गाइस मैंने अभी पॉपकॉर्न ले लिए हैं, हम चलते हैं पॉपकॉर्न खाते खाते मैच का आनंद लेते हैं आगे पे। तो गाइस मुझे अपने मामा मिल गए हैं। हेलो मामा। हाँ तो बढ़िया बढ़िया, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस ब्लॉग बना रहा था, हाँ आपका नैनीताल का। तो मेरे मामा यहाँ पुलिस में है, फायर ब्रिगेड में, तो इनकी ड्यूटी लगी थी कल पे यहीं पर, तो आज ऐसे ही मुझे लेने के लिए पिकअप करने के लिए आए हैं। तो गाइस मैं आपका क्या कहते हैं पन्नगर से या हल्द्वानी से हमने बस करी थी रोडवेज से, तो वो रुकी आपकी नैनीताल पर, नैनीताल पे वहाँ क्या कहते नैनीताल पे रुकी थी, नैनीताल तल्लीताल पर रुकी थी जहाँ पर को बोटिंग करते हैं, तल्लीताल पर होती है आपकी बोटिंग या आप नाव में बैठ के व्यू देखना चाहते हैं तो वो होती है। और फिर उसके बाद हम मुझे जहाँ मुझे बेसिकली आना था आपका मल्लीताल आना था, क्योंकि मुझे मेरे मामा वहाँ से पिकअप कर रहे थे इस वजह से। और अभी ATM से पैसे निकाल चुके हैं, तो अब हम चलते हैं आपके रूम पे मिलते हैं। ये आपकी भोटिया मार्केट, और यहाँ अब होने लग गया थोड़ा, शाम का समय होने लग गया है, तो यहाँ हाँ तो यहाँ लाइट वाइट लग गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है आपका नैनीताल का शाम का नज़ारा।
गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाद में कर लेना जैसा भी। तो गाइस मिलते हैं आपको अब कल की, अब हम हल्द्वानी जाएंगे नैनीताल से, तो कल मिलेंगे आपको। तो कल पे नया ब्लॉग आएगा, ये ब्लॉग आज मैं एडिटिंग करूँगा, तो मिलते हैं आपको। टाटा।